प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। उदयपुर जिले के झाड़ौल थाना क्षेत्र के मोहम्मद फलासिया की घाटा फला में रक्षाबंधन की रात को शराब के नशे में किसी बात को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। आवेश में आकर पिता और भाई ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन की रात को थाना क्षेत्र के मोहम्मद फलासिया गाँव की घाटा फला में रहने वाले लक्ष्मण लाल डूंगरी से घर के सामने ही रहने वाले पिता देवा शराब के नशे में आकर गाली गलौज करने लगा। मध्य रात्रि तक लगातार गाली गलौज करने पर लक्ष्मण गुस्से में आ गया और पिता से बात करने घर से बाहर निकला और पिता के घर के आंगन में चला गया। इतने में पिता देवा और छोटे भाई पिंटू ने लक्ष्मण पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर घायल लक्ष्मण ने वहीं दम तोड़ दिया। इधर शोर सुनकर मृतक की पत्नी सुशीला मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को बुलाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को मोर्चरी में पहुंचवाया। मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी देवा पिता कुकिया डूंडीबा उसके पुत्र पिंटू लाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें कोर्ट ने रिमांड पर सौंप दिया। रिमांड पूरा होने पर शुक्रवार को दोनों को जेल भेज दिया गया।